कांग्रेस ने ऐसे समय में 12,000 करोड़ रुपए पैकेज देने की बात की है जब एनडीए के भीतर खींचतान है। इस खींचतान को सही मानने वाले मान रहे हैं कि ये कांग्रेस का फेंका गया पासा है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी ने दो बातें कही। पहला तो उन्होंने ये कहा कि इस बार 14,000 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए बिहार सरकार ने, और दूसरा ये कि नीतीश कुमार तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, इसलिए संभव है कि ये राशि वे स्वीकार न करें। जदयू और मुख्यमंत्री का सवाल है तो वो कहते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे से नीचे हम मानने वाले नहीं हैं। तो मुझको लगता है कि संभवतः ये 12,000 करोड़ रुपया ये कबूल नहीं करेंगे, इसको वापस कर देंगे। जेडीयू का कहना है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत है। पार्टी ये भी कहती है कि समय से राशि केंद्र से नहीं मिलती, जिस कारण राशि सरेंडर करनी पड़ती है। केंद्र का जो वित्तीय अंतरण को लेकर के जो उनके तरीके हैं, उन तरीकों में बदलाव आज भी बहुत हद तक नहीं हो पाया। फिनांस कमीशन के अवार्ड्स 13 किस्तों में होते हैं और कई बार उनके आखिरी 5-6 किस्ते अंतिम महीने में भी कई बार मिलते हैं। तो जो वो राशि मिलती है उस राशि के हिसाब से जो मैचिंग कंट्रीब्यूशन राज्य का होता है वो दोनों मिलकर के एक बड़ी राशि होती है, और ये एक बड़ी वजह होती है अंतिम तिमाही या अंतिम माह में जो पैसा मिलने के कारण भी राशि के सरेंडर होने के चांसेस होते हैं। आइए यहाँ एक नजर डालते हैं कि किस तरह राशि सरेंडर किया बिहार सरकार ने। वर्ष 2006-07 में 2,168 करोड़ रुपए सरेंडर हुए, 2007-08 में 875 करोड़ रुपए, 2008-09 में 5,242 करोड़ रुपए, 2009-10 में 4,671 करोड़ रुपए, 2010-11 में 7,419 करोड़ रुपए, 2011-12 में 9,084 करोड़ रुपए और इस वर्ष 14,000 करोड़ रुपए सरेंडर हुए। कांग्रेस नेता प्रोफेसर रामजतन सिन्हा कहते हैं कि समय पर रुपए खर्च नहीं कर पा रही बिहार सरकार, इसके बावजूद केंद्र अपनी उदारता दिखा रहा है। वे कहते हैं कि बिहार की सरकार केंद्र की योजनाओं पर ही चल रही है। ये सहायता के लिए जरूरी है कि जो मैचिंग 20% है वो रेवेन्यू रिसोर्सेज सरकार मोबिलाइज करे, उसको भी केंद्र नजरअंदाज करती है। दूसरा है कि जो पैसे मिलते हैं उसको इस समय पर खर्च कर सके और उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दें। पिछले साल 14,000 करोड़ रुपया सरेंडर किया, उसको भी नजरअंदाज करके 12,000 करोड़ रुपये दिया। तो ये सारे लोग महसूस करते हैं कि केंद्र बहुत ही उदार है बिहार के मामले में। और आपको याद होगा वित्त मंत्री के बजट भाषण पर नीतीश कुमार ने किस तरह थैंक्स कहा था। इधर कांग्रेस ने जेडीयू और बीजेपी के बीच हुई खींचतान की खबरों के बीच 12,000 करोड़ के पैकेज देने की घोषणा कर नया दांव खेल दिया। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र समय से राशि भेजे और बिहार सरकार समय से खर्च करने का मैनेजमेंट डेवलप करे। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ प्रणय प्रियमवत, आर्यन न्यूज, पटना।